जितना सूर्य T20 में चमका, लगता है सूर्य की चमक ओडीआई में उतनी ही फीकी नजर आ रही है। सूर्य बेसिकली ओडीआई में काला पड़ चुका है। अब ये हम सबको मानना चाहिए, आपको, मुझे, इंडियन क्रिकेट टीम को और सबसे पहले कोच राहुल द्रविड़ को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा पांडे। सूर्य कुमार यादव ने देखिए ओडीआईज में अभी तक कुछ नहीं उखाड़ा। सूर्य कुमार यादव ने 25 मुकाबले खेल लिए हैं ओडीआई क्रिकेट में, ओडीआई फॉर्मेट में, और अभी 500 के अराउंड रन भी नहीं बनाए हैं। 470 के अराउंड उन्होंने बेसिकली रन बनाए हैं, 500 के अराउंड भी अभी उन्होंने 25 मैचेस में रन नहीं बनाए। और 25 मैचेस बहुत होते हैं खिलाड़ी के लिए आप अपनी छाप छोड़ना। जितनी सूर्य ने T20 में बल्लेबाजी दिखाई है, जितनी सूर्य ने हमें अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स दिखाए हैं, मिस्टर 360, मिस्टर एबीडी बन के दिखाया है, ओडीआईज में उतने ही नुल नजर आए हैं। और कोच राहुल द्रविड़ जो है उनको बार बार मौके देने में लगे हुए। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक ट्रेंड देख रही थी सोशल मीडिया में, जिसमें मुझे नजर आया कि सूर्य कुमार यादव को लोग इतना ज्यादा बोल रहे हैं कि 25 मैच खेल लिए। ठीक है, सूर्य कुमार यादव ने पहले ओडीआई मुकाबले में वेस्ट इंडीज के खिलाफ मात्र कुछ 19 रन बनाए, दूसरे ओडीआई मुकाबले में कुछ 25 रन बनाए। अब लोग कह रहे हैं ठीक है, 25 मैच भी तो इनको मिले हैं ओडीआई मैचेस। संजू ने भी तो कल कहां परफॉर्म किया, संजू भी तो कल सस्ते में आउट हो गए। तो देखिए संजू को मैचेस कितने मिले, कुल 13 मैचेस, टू बी वेरी स्पेसिफिक 13 मैचेस उनको मिले होंगे संजू को ओडीआई में। वहीं सूर्य कुमार यादव को, जो कि ओडीआई में जिनका गेम अप भी नहीं है, जिनका लेवल अप भी नहीं है, राहुल द्रविड़ भी ये चीज बोल चुके हैं कि भैया सूर्य कुमार यादव ने खुद एडमिट किया है कि मेरा ओडीआई लेवल जो है वो अप नहीं है, उनका गेम अप नहीं है। तो अब आप कैसे कंपेयर कर सकते हो संजू और सूर्य को? संजू को 11-12 मैचेस मिले हैं, तब जाके वो एक मैच में अगर फ्लॉप हुए कल के मैच में, आपने गालियां देनी शुरू कर दी। वहीं सूर्य की बात करें, सूर्य ओडीआई में लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं, लगातार मौके मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब 3 मैच में डक पर आउट हो गए थे ओडीआई सीरीज जो थी, उसके बाद भी सूर्य को कंटिन्यूअसली मौके पे मौके मिले। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि सूर्य से अब हमें ओडीआई से आगे बढ़ना चाहिए और किसी और को मौके देने चाहिए जो एक्चुअल में डिजर्व करे। अब आपकी क्या राय है, क्या आपको भी लग रहा है सूर्य अस्त हो चुका है ओडीआई में या नहीं, मुझे जरूर बताइए।